of the fellowship believers from this country, great country India, and all over the world. और इस महान भारत देश के और पूरे दुनिया भर से जितने परमेश्वर के जन, परमेश्वर के दास जो हमारे FPCGI फेलोशिप के दास जुड़े हुए हैं, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम मधुर नाम में अभिवादन है। I thank God for COVID-19. और उस COVID-19 के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। Because this gave us some new ideas to reach to the people who are locked in. और इस COVID-19 ने हमें ऐसा अनुभव दिया कि जो लोग घर में बंद पड़े हैं, हम उन तक भी इस माध्यम से पहुंच पाए। As a Titus, Auntie and I want to give you a special thanks. और पास्टर टाइटस आंटी और मैं खास तौर पे आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। When you call me for this meeting, और जब आपने मुझे इस सभा के लिए फोन कॉल किया, first I said no, I'm too busy, I should not give my time. सर्वप्रथम मैंने कहा मैं बहुत ही व्यस्त हूँ, मैं आपको समय नहीं दे सकता। But who can ignore or deny the call of Pastor Titus? लेकिन कौन है जो पास्टर टाइटस की बुलाहट को इनकार करेगा? I accepted the invitation. मैंने आमंत्रण को स्वीकार किया। And then I asked him, what topic do you want me to speak? फिर मैंने उनसे पूछा कि किस विषय पर आप चाहेंगे कि मैं वचन दूं? He said, uncle, we want you to speak something to encourage our people. और उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगा आप कुछ ऐसे विषय को लेकर संदेश दें जिससे हमारे लोग प्रोत्साहित हो, प्रेरित हो। Next 61 minutes, I need your undivided attention. आगामी 61 मिनट मैं आपके अविभाजित ध्यान को अपनी ओर देखना चाहूंगा। Thank you, our General Secretary Pastor Thomas Kuti, for praying for us this evening. और हमारे General Secretary Pastor Thomas Kuti, आज की शाम आपने हमारे लिए प्रार्थना किया, शुक्रिया। First, I will read few passages, and I trust you will figure out what topic I'll be speaking. सर्वप्रथम मैं कुछ वचन में से शास्त्र भागों को पढ़ूंगा और आशा करते हैं कि आप इसके द्वारा पता लगा लेंगे कि आज का विषय क्या रहेगा। I will not give the title of the message till we read few passages. और जब तक कुछ शास्त्र भागों को हम पढ़ ना लें, आज के संदेश का शीर्षक आपको नहीं बताएंगे। I read from Psalm 107. और भजन 107 से पढ़ेंगे। Lord, परमेश्वर मेरी सहायता कर। They cried in their trouble. उन्होंने अपने संकट के समय यहोवा को पुकारा। And he saved them from their distress. और उसने उन्हें उनके तनाव से मुक्त किया। He saved them from their distress. और उनके तनाव से उसने उन्हें मुक्त किया। He calmed the storm to a whisper. और उसने एक वाणी से ही सागर की उन लहरों को शांत कर दिया। And still the waves. और उनकी उठती हुई उफान मारती हुई लहरों को उन्हें थमा दिया। What a blessing was that stillness as he brought them safely into harbor. और क्या ही सुंदर वो दृश्य था जब उन्हें उस किनार पर बड़ी सुरक्षा के साथ वो लेकर आया। Psalm 9, भजन 9 में हम आएंगे। Verse 9, भजन 9 का 9, The Lord is a shelter for the oppressed. और जो लोग सताए गए हैं उनके लिए यहोवा परमेश्वर शरण स्थान है। A refuge in time of trouble. और कहना चाहिए कि जो संकट के समय में उनके लिए ऊंचा गढ़ ठहरा है। Third passage is from Psalm 46. और तीसरा भाग शास्त्र भाग जो है भजन 46 से है। God is our refuge and strength. और परमेश्वर हमारा शरण स्थान और मेरा बल है। Always ready to help in times of trouble. संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। Go to book of Proverbs. नीति वचन में आ जाएं। Chapter 10. दसवां अध्याय। Verse 25. उसका 25. When the storms of life come, wicked are gone. और जब जीवन में संकट के उफान आते हैं, जो दुष्ट लोग हैं, वो डर जाते हैं। But the godly
have a strong foundation. लेकिन ईश्वर के भक्तों का बुनियाद बहुत ही मजबूत होता है. One translation says, एक अनुवाद में लिखा है, but the godly have a lasting foundation. ईश्वर के भक्तों का जो बुनियाद है वो सदैव बना रहता है. Let me pick up from book of Nahum. नहुम नबी की पुस्तक से पढ़ेंगे. Chapter 1. उसका पहला अध्याय. Verse 7. एक का साथ पढ़ेंगे. Book of Nahum, chapter 1, verse 7 says. नहुम एक के साथ में यूं लिखा है. The Lord is good. यहोवा भला है. Lord is good. यहोवा भला है. A strong refuge. When trouble comes, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है. Let me repeat that scripture one more time. एक बार और मैं दोहराना चाहूंगा इस आयत को. A strong refuge when trouble comes. जब संकट आता है उस समय वह दृढ़ गढ़ ठहरता है. He is close to those who trust in him. जो उस पर विश्वास करते हैं वह उनके निकट रहता है. I go back to Psalm 37. भजन 37 में हम वापस जाएंगे. And we'll read 39 and 40. उसका 39 और 40 आयत पढ़ेंगे. Psalm 37. भजन 37. The Lord rescues the godly. और धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है. He is their fortress. और वह उनका दृढ़ गढ़ है. In times of trouble. संकट के समय में वह उनका दृढ़ गढ़ है. Verse 40. 40 है. The Lord helps them. और यहोवा उनकी सहायता करता. Rescue them. और उनको बचाता है. And he saved them. And they find shelter in him. वह उनको दुष्टों से छुड़ाता है. Second Corinthians. दूसरे कुरिन्थियों की पत्री में आएंगे. Chapter 1. पहला अध्याय. Second Corinthians chapter 1 and we'll read verse 4 through 7. चार से लेकर सात आयत तक पढ़ेंगे. He comforts us in all our troubles. वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है. So that we can comfort others. ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है दूसरों को भी शांति दे सके. He comforts us in all our troubles. हमारे संकट के समय में क्लेश के समय में वो हमें ढाढ़स देता है. Go to Second Corinthians. दूसरे कुरिन्थियों की पत्री में chapter 4. चौथा अध्याय. Verses 8 to 10. आठ से लेकर दस पढ़ेंगे. We are pressed on every side. हम चारों ओर से क्लेश भोगते हैं. By troubles. पर संकट में नहीं पड़ते. But we are not crushed. लेकिन हम संकट में नहीं पड़ते. We are perplexed. हम निरुपाय तो हैं. But not driven to despair. पर निराश नहीं होते. We are hunted down. हम सताए तो जाते हैं. But never abandoned by God. पर परमेश्वर के द्वारा त्यागे नहीं जाते. We get knocked down. हम गिराए तो जाते हैं. But we are not destroyed. लेकिन नाश नहीं होते. Through suffering, our bodies continue to share in the death of Jesus. हम मसीह की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का. We'll read verse 8 again. आठवीं आयत फिर से हम पढ़ेंगे. We are pressed on every side. हम संकट के द्वारा चारों ओर से क्लेश भोगते हैं. Usually I go and read the text and start preaching. सामान्यतः एक शास्त्र भाग पढ़ के संदेश का प्रचार मैं शुरू करता हूं. But this morning, Holy Spirit spoke to me to bring few scriptures. लेकिन आज सुबह आत्मा ने मेरे अंदर कार्य किया और बोला कि हम कुछ आयतों को पहले देखें. Word of God can inspire us. परमेश्वर का वचन हमें प्रेरित करता है. Word of God can comfort us. परमेश्वर का वचन हमें शांति दे सकता है. Word of God can challenge us. परमेश्वर का वचन हमें चुनौती दे सकता है. That's why I have read few passages to
इसलिए इतने सारे वचनों को मैंने आपके सामने पढ़ा। Now, when we look to today's situation, जब हम आज के परिस्थिति को देखते हैं, we see these are the troubled times. आप देख सकते हैं यह संकट से भरे लम्हे हैं। Everywhere you see people are in trouble. हर जगह आप देखते हैं लोग संकट में पाए जाते हैं। Troubled time, where to go? Yeah, there we go. Troubled times. और संकट के समय you look to your own city, people are in trouble. आप अपने खुद के नगर को देखें, लोग संकट में पाए जाते हैं। Look to your own city. अपने खुद के नगर को आप देखें, evil is increasing day by day. बुराई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। 10 years girl have been used in prostitution. आप देखें केवल 10 वर्ष की बच्ची को वेश्यावृत्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Corruption is there. भ्रष्टाचार हमें दिख रहा है। Look what we are in today. आप देखिए आज हम किन बातों में पाए जाते हैं। We are in difficult times. हम मुश्किल की घड़ी में हैं। And these are the difficult times. यह मुश्किल के पल हैं। If you look to the Timothy, यदि, he says this is the perilous time. और तिमोथी की पत्री को यदि आप पढ़े वहां लिखा है ये संकट के पल हैं। These are the hard times. यह मुश्किल के पल हैं। We don't know from where we will have our food tomorrow. हमें यह नहीं पता कि कल हमारा भोजन कहां से आएगा। We have been discouraged. और हम निराशा में पाए जाते हैं। These are the hard times. यह मुश्किलों से भरे पल हैं। These are the overwhelming times. यह ऐसे समय है जिसमें हमारा मन भर गया है। These are the challenging times. यह चुनौतीपूर्ण घड़ी है। Question comes to you and I. आप क्यों मेरे सामने ये प्रश्न आता है? Our mind is clouded with the questions. हमारा जो मन है वह प्रश्नों से भरा हुआ है। Where to go? कहां जाएं? Where to go? कहां जाएं? The second question comes in my mind. दूसरा प्रश्न जो मेरे मन में आता है। It comes in your mind. यह आपके मन में आता है। What to do? हम क्या करें? What to do? हम क्या करें? What to do? हम क्या करें? Look what is happening in India. आप देखिए भारत में क्या चल रहा है। Just see what is happening in your own city. आप देखिए आपके खुद के नगर में क्या हो रहा है। Riots. आप देख सकते हैं हिंसा हो रही है। Shootings. लोग गोलियां चला रहे हैं। Killings. लोग हत्या कर रहे हैं। Pandemic dilemmas. और देखिए महामारी आई, लोग असमंजसता में पड़ चुके हैं। Terrorism. आप देखिए एक प्रकार का आतंक बढ़ गया है। Crimes. जुर्म हो रहे हैं। Corruption. भ्रष्टाचार हो रहा है। COVID-19. या COVID-19 की बीमारी फैल रही है। Earthquake. भूकंप आ रहे हैं। Bombay city is completely in water. अब देखिए जो बॉम्बे शहर है पूर्णतः पानी में भर गया है। कोचीन is underwater. कोचीन भी पानी में तैर रहा है। Flood, tsunami, everything is happening. बाढ़, सुनामी, अलग अलग प्रकार की आपदाएं आ रही है। What to do? अब हम क्या करें? Where we should go? हमें कहां जाना है? And where we should go? हमें कहां जाना है? Very hard to answer. इन प्रश्नों का उत्तर देना बहुत मुश्किल But है। I want to declare tonight, लेकिन आज की रात्रि मैं कहना चाहूंगा not only to Saurashtra, ना केवल सौराष्ट्र के लोगों को but whole India, लेकिन पूरे भारत को we have the answer. हमारे पास उत्तर है। And we have the answer. हमारे पास उत्तर है। Where is the answer? वो उत्तर कहाँ है? When the life is unpredictable. जब हमारी जिंदगी कहना चाहिए कि ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी है कि अब हम कुछ नहीं बोल पा रहे। our life is completely unpredictable. हमारा जो जीवन है पूर्णतः बताया नहीं जा सकता कि कल क्या होगा। our life is full of fear, anxiety and tension. हमारा जीवन भय से, चिंता से, तनाव से भरा हुआ है। People are worried and it's happening even in Itarsi. People are suiciding. और आप देखिए लोग इतना डर गए हैं, इटारसी में भी हो रहा है, लोग आत्महत्या का मार्ग चुन रहे हैं। जो मैंने पिछले 28 वर्षों में इटारसी में नहीं देखा वो मैं अब देख रहा हूँ। आत्महत्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। People are killing themselves. देखे लोग अपने आप को मार रहे हैं।
storms of life. जिंदगी की आंधियां आ रही है. What we should do? हमें क्या करना है? Really, no one has the answer. किसी के पास इसका उत्तर नहीं. But Christians. लेकिन मसीही लोगों, Christian, मसीही लोगों, believers, विश्वासियों, we have the answer. हमारे पास उत्तर है. What is the answer? वो उत्तर क्या है? Word of God and the prayer. परमेश्वर का वचन और प्रार्थना. I believe. मैं ये विश्वास करता हूँ. The two most important keys for us in the time of trouble. इस संकट के समय हमारे पास दो महत्वपूर्ण कुंजियां पाई जाती हैं. In the midst of trials. संकट के मध्य में. In the midst of challenges. चुनौतियों के मध्य में. In the midst of crisis. और संकट के मध्य में. We have the living word of God with us. हमारे पास जीवित परमेश्वर का वचन है. We have the anointed word of God. परमेश्वर का अभिषिक्त वचन है. We have the access to go to the throne of His grace. परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास जाकर हम उसे पुकार सकते हैं. We have the answer. हमारे पास उत्तर है. And let me make a statement to everyone. Jesus is the answer. और मैं आप सबको कहना चाहूंगा, इन तमाम समस्याओं प्रश्नों का उत्तर कोई और नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह है. Not that Jesus has the answer. ना केवल यीशु के पास इनका उत्तर है. But Jesus is the answer. लेकिन प्रभु यीशु मसीह इनका उत्तर है. That's why some said, इसलिए भजनकार कहता है, God is our refuge. परमेश्वर हमारा शरण स्थान है. In time of trouble, संकट के मध्य में our present help. वही हमें सहज से मिलने वाला सहायक है. You don't have to knock the doors of psychologists. आपको किसी मनोवैज्ञानिक के द्वार को खटखटाने की जरूरत नहीं. You don't have to go here and there. आपको यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं. In the midst of trouble. इस संकट के मध्य में. In the midst of crisis. इस चुनाव के मध्य में. Cry out to God. आप परमेश्वर को पुकारें. As they cry out to God. आप परमेश्वर को पुकारें. When we look to our society. जब हम अपने खुद के समाज को देखें. This is a chronic anxiety tainted society. आप देख सकते हैं कि ऐसा समाज है जहां पर चारों तरफ आप देख सकते हैं कि पूरी तरह समाज को भ्रष्टाचार से भर दिया गया है. Chronic anxiety. यह पूर्णतः चिंताग्रस्त समाज है. Wealth is disappearing. आप देखिए लोगों का धन विलुप्त हो रहा है. Look to your own city. अपने खुद के नगर को आप देखिए. How many people have lost jobs? कितने लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी है. How many thousands of people have laid off? कितने हजारों लोगों को उनके नौकरी से निकाल दिया गया है. What to do? अब हम क्या करें? Prices are going up. आप देखिए सारी चीजों की कीमत बढ़ रही है. The thing which I bought 2 days ago. For 30 rupees has become 120 rupees today. जो चीज मैं 2 दिन पहले 30 रुपए में खरीदा आज वो 120 रुपए का हो गया है. Listen to me. आप मेरी बात सुने. Economy is shaking. आप देखिए हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगा गई है. Everything is shaking. सब कुछ चरमरा गया है. We don't know what to do. हमें नहीं पता कि क्या करना है. Some of the Christians, they have lost their peace. और कुछ मसीही लोग अपनी शांति गंवा दिए हैं. But I want to declare to you tonight. लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा आज की रात्रि. In Psalm 29. भजन 129 भजन 29 में verse 11, उसके 11वें आयत में God blesses his people with peace. परमेश्वर अपने लोगों को शांति से आशीषित करता है. You are blessed by his peace. और आप उसकी शांति के द्वारा आशीषित है. Jesus said, यीशु ने कहा, I give my peace. And I leave my peace. मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ. In Psalm 85 verse 8, भजन 85 उसके 8 में, God promises His peace to His people. परमेश्वर अपने लोगों को अपनी शांति देने का वायदा करता है. In Psalm 119, भजन 119 में, 165 में, 165 में, who love your Lord. जो लोग यहोवा तुझसे प्रेम करते हैं उन्हें बड़ी शांति मिलती है. And then he says, आगे लिखा है, और कोई भी बात उन्हें डगमगाने लड़खड़ाने नहीं देती. Yes, troubles are there. हाँ, समस्याएं हैं. आप देख सकते हैं इस प्रकार से बीमारियां बढ़ रही है. यशया 26 की 3 में लिखा है, यू विल कीप हिम इन परफेक्ट पीस
whose heart is stayed on you. जिसका मन तुझ में स्थिर है, तू उन्हें पूर्ण शांति में बनाए रखेगा. Listen to me. आप मेरी बात सुन. My God wants to challenge your heart. मेरा परमेश्वर आपके दिलों को आज चुनौती देना चाहता है. He says, I want to bless everyone. वो कहता है वो हर एक को आशीषित करना चाहता है. Listen to me, my friends. मेरे प्रिय मित्रों आप आज सुने. God wants to bless each one of you with his peace. परमेश्वर आप में से हर एक को अपनी शांति से भरना चाहता है. Are you ready to receive this blessing? क्या आप तैयार हैं उस शांति को आज प्राप्त करने के लिए? Listen to me. आप ध्यान से सुनिए. My God is a good God. मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है. My God is good God. मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है. Third question comes to my mind. तीसरा प्रश्न जो मेरे मन में आता है. Is it really possible to live in such a society? क्या ये सचमुच संभव है कि हम ऐसे समाज में जीवन यापन कर पाएं? Can we live? क्या हम अपने जीवन का यापन कर सकते हैं? When the moral structure of the family and society is in trouble. जब आज परिवार या कहें तो समाज का जो नैतिक ढांचा है, मौलिक ढांचा है, वह ढह रहा है. Look to our own country. हमारे खुद के देश को आप देखें. Look to Bombay, Surat, Baroda, Secunderabad. Big big cities. आप देखें जितने बड़े बड़े नगर हैं, बॉम्बे, सूरत, अहमदाबाद, इन सारे महानगरों में. Man is getting married with a man. आप देखें पुरुष एक दूसरे पुरुष से विवाह कर रहा है. The moral climate has been changed completely. नैतिक जो माहौल है, वातावरण है, पूर्णतः बदल गया है. Acceleration in ungodly and immoral behavior. आप देख सकते हैं अब भक्ति और अनैतिकता के स्वभाव में इजाफा हो रहा है. Look what's happening. आप देखें क्या हो रहा है. People are discouraged. लोग निराश हो चुके हैं. People are depressed. लोग तनावग्रस्त हो चुके हैं. People are distressed. लोग अपने आप में थक चुके हैं. We got some few words during COVID-19. COVID-19 के समय कुछ शब्द नए हमने सीखे हैं, देखा है. Like stay away. Positive people. सकारात्मक लोगों से या जिनको यह बीमारी है उनसे दूर रहे. हम पहले कहते थे कि नकारात्मक लोगों से दूर रहे. COVID-19 के समय में लोग ये बोल रहे हैं कि जो लोग पॉजिटिव है, सकारात्मक है, उनसे दूर रहे. बहुत सी बातें बदल रही है. और हमने एक नया शब्द जोड़ दिया है कि अलगताई में रहना. हमने एक और नया शब्द सीखा है कि तालाबंदी में रहना. हमने एक और नया शब्द सुना है कि पूरे नगर को, पूरे उस इलाके को बंद कर दिया गया है. Can we live in this society? क्या हम ऐसे समाज में जी सकते हैं? Full of sorrow. दुख से भरा हुआ है. Sickness is increasing day by day. बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है. You just saw what happened to India. आपने देखा भारत में क्या हुआ? As of this evening. और आज शाम की यदि बात करें, we are more than 15 lakhs people have been infected. 15 लाख से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं. More than 15 lakhs. 15 लाख से ज्यादा. Can we live in this society? क्या हम इस समाज में जी सकते हैं? Yes, we can. हाँ, हम जी सकते हैं. Yes, evil is increasing. हाँ, बुराई बढ़ रही है. I want to get your attention to Ephesians chapter 5. मैं चाहूंगा आप सभी का ध्यान इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय में आ जाए. Ephesians chapter 5. इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय. And I want you to follow with me in the PowerPoint. मैं चाहूंगा कि PowerPoint में आप मेरे साथ इन आयतों को पढ़ें. Ephesians chapter 5 verse 15 and 16. आ इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 15 और 16 आयत. Now here look what is said here. आप देखिए ध्यान से देखिए यहां क्या लिखा है. Look carefully. ध्यान पूर्वक देखें. Look carefully. ध्यान पूर्वक देखें. Look to your own city, your village. Your district. अपने खुद के गांव को, शहर को, अपने जिले को आप देखें. How you walk. आप कैसी चाल चलते हैं. That is tells in that passage. फिर उस भाग में आगे लिखा है. Live purposefully. उद्देश्य के तहत जिए. Live worthily. योग्य जीवन जिए. Live accurately. और उचित जीवन जिए. Not as the unwise
and witless. और निर्बुद्धियों के समान अपना जीवन ना जिए. But as wise. लेकिन बुद्धिमान के समान. Sensible, intelligent people. संवेदनशील बुद्धिजीवी लोगों के समान. Making the very most of the time. और समय का सदुपयोग करने वाले. Because the days are evil. क्योंकि जो दिन है वो बुरे हैं. Listen to me carefully. ध्यान पूर्वक आप सुने. Yes, days are evil. हाँ, ये दिन बहुत बुरे हैं. So we cannot live like fools. हम मूर्खों के समान नहीं जी सकते. Believers, Christians, pastors, leaders. विश्वासियों, मसीहियों, अगुओं, पासवानों. During COVID-19. इस COVID-19 के दौर में. We must live like wise people. हमें बुद्धिमानों के समान जीना है. And we should live like wise people. मैंने कहा हमें बुद्धिमानों के समान जीना है. Do not break the law. Set by the government for COVID-19. COVID-19 के लिए जो नियम कायदे कानून सरकार ने बनाए हैं आप उसे ना तोड़े. There are certain protocols. और उसके लिए कुछ नियम कानून हैं. Don't do it. आप ऐसे ना करें. Don't do any foolish things. आप मूर्खतापूर्ण कदम ना उठाएं. Yes, these are the troubled times. हाँ, ये संकट की घड़ी है, पल है. Yes, Bible says in 2 Timothy. और दूसरे तिमोथी से बाइबल इस बात को बताती है. तीसरा अध्याय उसकी पहली आयत. Understand this, that in the last day there will come times of difficulty. इस बात को समझ लो कि अंत के दिन में बहुत ही तकलीफ और संकट के दिन आएंगे. Yes, we will have difficult times. हाँ, संकट का दिन और उसका सामना हमने करना पड़ेगा. When you see difficulty, troubles. और जब आप संकट, मुसीबत, तकलीफें और परेशानियों को बढ़ते हुए देखते हैं, believers, look up. विश्वासियों, आप ऊपर देखें. Our salvation draweth nigh. हमारा उद्धार निकट आता है. Listen to me. ध्यान से सुने. Another translation says, एक दूसरे अनुवाद में लिखा है, But understand this, इस बात को समझो that in the last day, कि अंत के दिनों में we are in the last day, हम अंत के दिन में हैं. There will seven और संकट के समय आएंगे. Bible has said already, और बाइबल में पहले ही लिखा है, last days you will have great stress. अंत के दिनों में बहुत ही ज्यादा तनाव आपको झेलना पड़ेगा. You will have great trouble. आपको संकट का सामना करना पड़ेगा. Hard to deal with and hard to bear. और एक ऐसा संकट, ऐसा समस्या जिसे सहन कर पाना, जिस बोझ को उठा पाना बहुत मुश्किल होगा. Very hard to handle. उसे संभालना बहुत मुश्किल होगा. That's why we need Jesus. इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है. That's why we need God. इसलिए हमें परमेश्वर की आवश्यकता है. I said we need God. इसलिए मैंने कहा परमेश्वर की आवश्यकता है. Bible says in Psalm 57. भजन 56 में बाइबल बताती है. I will hide beneath the shadow of your wings. और तेरे उस पंखों के तले मैं छिप जाऊंगा. Until the danger passes by. जब तक खतरा टल ना जाए. Believers. विश्वासियों. Friends. मित्रों. In the midst of trouble. इन संकट के मध्य. Let's come. Underneath the wings of Emmanuel. आइए हम उस इमैनुएल के पंखों तले जो सर्वश्रेष्ठ है छिप जाए. Bible says, बाइबल में लिखा है, I cried out to God. मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा. The most high God. वो जो सर्वोच्च परमेश्वर है. Who will fulfill the purposes in my life. जो मेरे जिंदगी में अपने उद्देश्यों को पूरा करेगा. In other words, दूसरे शब्दों में, trouble, adversity has a purpose. इस संकट जो विषम परिस्थिति है इसका एक उद्देश्य है. God has a plan for every difficulty you go through. जिस किसी मुसीबत से आप होकर जाते हैं इसके पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है. Lot of leaders and believers are saying, once you become Christian, you will not have any trouble. बहुत से अगुए, बहुत से मसीही इस बात को बताते हैं कि एक बार आप विश्वासी बन जाएं, आपके जीवन में दुख मुसीबत नहीं आएंगी. Those who does not know Bible will say that thing. जो लोग बाइबल को नहीं जानते वे ऐसी बातें करेंगे. Bible says in book of Job. अय्यूब में देखिए बाइबल ये बताती है. In chapter 14. और 14 अध्याय में. Man is full of trouble. और जो मनुष्य है वो समस्या से भरा हुआ है. In chapter 5. पांचवे अध्याय में. Man is born unto trouble. और संकट के दिन के लिए ही मनुष्य का जन्म होता है. When
You hear the words of the leaders. जब आप बड़े अगुओं की इन वचनों को सुनते हैं. That you will not go through the trouble. कि आप संकट से होकर नहीं जाएंगे. Let me tell you. मैं आपको बताना चाहूँगा. It's from the Isaiah 43. यशायाह 43 पे आधारित होकर. When we go through the water. जब हम पानी से होकर जाएं. When we go through the river. जब वह जल से होकर जाएं. When we go through the hard times. जब हम मुश्किलों से होकर जाएं. When we go through the suffering. जब हम दुख से होकर जाएं. When we go through the adversity. जब हम विकट परिस्थिति से होकर जाएं. हम जानते हैं आप याद रखें परमेश्वर हमारे साथ है. परमेश्वर आपके साथ है. आपका छुड़ाने वाला आपका बचाने वाला आपका उद्धारक आपके साथ है. परमेश्वर आपके साथ है. आप ध्यान से सुनिए. यस क्वेश्चन मे कम इन योर माइंड. हाँ प्रश्न हो सकता है आपके मन में आए. व्हाट टू डू. अब मैं क्या करूं. वेयर टू गो. मैं कहां जाऊं. Who has the answer? किसके पास इसका उत्तर है. When things will change? जब सारी बातें बदल जाएंगी. Any solution? कोई समाधान है क्या. Any comfort? कोई इसके लिए आराम है क्या. Any encouragement? कोई प्रोत्साहन की बातें है क्या. Why storms? और ये आंधी क्यों आ रही है मेरे जीवन में. Why? क्यों 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 ये आंधी मेरे जीवन में क्यों आ रही है. Christians? मसीही लोगों. Troubles, difficulties are part of your life. और मुश्किलें, समस्याएं आपके जीवन का अंग हैं. I'm Christian now for many, many years. और मैं पिछले कई वर्षों से मसीही जीवन का यापन कर रहा हूं. For last 64 years. लगभग 64 वर्षों से मैं एक मसीही का जीवन बिता रहा हूं. I have never seen yet to see a believer is immune to trouble and difficulty. मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा एक विश्वासी जिसके जीवन में कोई भी समस्या या परेशानी ना हो. Everyone will have trouble. हर एक के जीवन में समस्या आती. You will have the storms. आपके जीवन में आंधी आएंगी. And you will have the storms. आपके जीवन में तूफान आएगा. People say, लोग ये कहते हैं, as long as Jesus is in your life, you will not have storms. जब तक यीशु आपके जीवन में है, आंधी आपके जीवन में नहीं आएगी. As long as Jesus is in the boat, which is your life. जैसे कि आपका जीवन जो नाव है, जब तक यीशु आपके नाव में है. You know Jesus was in the boat. आपको मालूम होना चाहिए यीशु नाव पर था. And the storms came. और आंधी आए. Storms will come when Jesus is not in the boat. और जब यीशु नाव में नहीं है तब भी आंधी आएगी. And storms will come when Jesus is in the boat. और जब यीशु नाव में होगा तब भी आंधी आएंगी. Difficulty will come to anyone. मुश्किलात किसी के जीवन में भी हो सकती है. Sickness may come. बीमारी हो सकती है यार. Sorrow experiences will be there. दुख भरे अनुभव होंगे. No man, I've never seen a man like Job. अब मैंने अय्यूब के समान कोई व्यक्ति अब तक नहीं देखा. A righteous man. एक धर्मी व्यक्ति. A devout man. एक समर्पित व्यक्ति. A godly man. एक ईश्वर का भक्त. But he went through a lot of trouble. लेकिन वह बहुत से दुखों से संकट से होकर गया. Listen to me. आप मेरी बात सुनिए. COVID is teaching you and I something. और कोविड आपको और मुझे कुछ सिखा रहा है. What COVID is teaching you? क्या सिखा रहा है. I just made an acronym. मैंने एक एक्रोनिम बनाया है. Christ offers victory in depressed time. और दुख भरे पलों में तनाव के पले भरों में प्रभु यीशु मसीह आपको जय प्रदान करता है. Yes, COVID-19 is there. हाँ, COVID-19 ये बीमारी है. Christ offers victory in depressed time. लेकिन प्रभु यीशु मसीह तनाव भरे पलों में आपको जय देता है. Christ over viral diseases. और ये फैलने वाली बीमारियों के ऊपर मसीह की सामर्थ्य. I want to encourage you. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँ. I want to build your faith. मैं आपके विश्वास को निर्मित करना चाहूँ. Your God is greater than the coronavirus. आपका जो परमेश्वर है इस कोरोना वायरस से बड़ा है. Your God is greater than your problem. और आपका जो परमेश्वर है आपकी समस्याओं से बड़ा है. God, your God is mightier than your trials. आपका जो परमेश्वर है आपकी चुनौतियों से महान है. Your God is almighty and he's over all your troubles. आपका परमेश्वर पराक्रमी है और वो सारी बातों से बड़ा है. वो आपकी समस्या से बड़ा है. He's bigger than your problem. वो आपके परेशानियों से बड़ा है. A
in overwhelming time. और इस दुख से भरे हुए जीवन में friends, मित्रों, you are never alone. और आप कभी अकेले you are never alone. आप कभी अकेले नहीं हैं. Even when you are sitting in your living room. और जब आप अपने घर में बैठे हैं. You are never without his guiding hands or helping hands. उसके मार्गदर्शन करने वाले और मदद करने वाले हाथों के बिना आप नहीं हैं. उसका हाथ सदैव आपके ऊपर होगा. मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है. मैंने कहा मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है. Last night I got very sick. गत रात्रि में बहुत बीमार हो गया. My fever went very high. अब मेरा बुखार, मेरा तापमान शरीर का बहुत बढ़ गया. And I never thought I will be able to speak tonight. और मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं प्रचार कर पाऊंगा. Yes, trouble was there. हाँ, संकट था. But God's hand came upon me. लेकिन परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर आ गया. His helping hand came upon me. उसका मदद करने वाला हाथ मेरे ऊपर आ गया. His healing hand came upon me. उसका चंगा करने वाला हाथ मेरे ऊपर आ गया. Listen to me. अब ध्यान से मेरी बातों को सुनिए. बाइबल में लिखा है He is our great tower. वो हमारा एक मजबूत मीनार है. In time of trouble, we can run to him and we are safe. संकट के समय हम उस पर के दौड़ कर उसके पास जाएंगे और हम सुरक्षित रहेंगे. Yes, storms of life can damage our life. हाँ, जो जिंदगी की आंधियां हैं आपको क्षति पहुंचा सकती है. It can devastate your life. यह आपके जीवन को आपके जीवन को नाश कर सकते हैं. It can bring destruction. यह आपके जीवन तबाही ला सकते हैं. Or it can bring disorder. और यह आपके जीवन के क्रम को यह बिगाड़ सकते हैं. I remember a very famous lawyer. एक बहुत ही बड़े वकील के विषय में मुझे कुछ बातें याद आती हैं. And he's from Chicago. और वह शिकागो से ही है. Very famous lawyer. बहुत ही प्रसिद्ध एक वकील है. He lost everything. उन्हें सब कुछ खो दिया. Great Christian. एक बहुत ही अच्छे मसीही भी थे. His house was destroyed in a big fire. और आग में उनका घर पूरा जल गया. And he lost his son. उनके बेटे को भी उन्हें गवा दिया. He lost his only son. उनका इकलौता बेटा चला गया. With pneumonia. और उन्हें निमोनिया हो गया था. He has four daughters. चार बेटियां हैं. Only son gone. एक ही बेटा जो जा चुका है. And now he asks his wife to take the daughters to Europe. और आप अपनी पत्नी से कहता है कि इन बेटियों को लेकर के आप यूरोप में चले जाएं. And she's gone to spend some time. और कुछ समय family. अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताने के लिए वो चली जाती है. A tragedy happened. लेकिन वहां भी एक दुखद घटना हो गई. Their boat collided with a big ship. और उनका जो नाव है जिस जहाज में वो थे वो एक बड़े जहाज से जाकर टकरा गया. All four daughters were killed. और चारों बेटियां वहां मर गए. Believers children. देखिए विश्वासी के बच्चे. Great devout man. एक बहुत ही समर्पित भक्त विश्वासी. And the wife sends a note to the husband. और अब देखिए पत्नी अपने पति को यह लिखकर भेजती है. Only I am safe. केवल मैं ही अकेली जीवित हूं. So this businessman, lawyer, made all the arrangement to go and meet her. और अब यह जो वकील है, व्यवसायी है, वो पूरी तैयारियां करता है कि जाकर अपनी पत्नी से मुलाकात करे. While he is sailing, और जब वह यात्रा कर रहा है, he wrote a song. उसने एक गीत लिखा. And I want you to hear these words. और मैं चाहूंगा उस गीत के इन बोल को आप ध्यान से सुने. During the funeral service of my, I call coronation service of my dad. और मैं कहना चाहूंगा कि अंतिम संस्कार, मैं उसे कहता हूं कि ताज पोशी की सभा में अपने पिता की. My mom also sang this song. मेरी माता ने भी इसी गीत को गाया. So powerful. बहुत ही सामर्थ्य उसके शब्द. Anyone can say, be strong in the midst of trouble. कोई भी
कह सकता है कि हम बहुत ही मजबूत हैं संकट के बीच में। Anybody can say, yes, we can rejoice in trouble. कोई भी कह सकता है कि हाँ हम संकट जब आएगा हम आनंदित रहेंगे। But when the trouble comes, लेकिन जब संकट आता है, I have seen believers give up. मैंने विश्वासी को देखा है कि वो हार मान जाते हैं। So he is on his way to meet his wife. अब देखिए अब वो मार्ग पर है अपनी पत्नी से मुलाकात करने के लिए। All four daughters are gone. अब देखिए उनके चारों बेटे बेटियां जा चुकी है, उनका एक लौता बेटा जा चुका है, बहुत सी बातें उनके मन में चल रही है। अब देखिए उसने एक कागज का टुकड़ा लिया और उसने लिखना शुरू कर दिया। और जब नदियों के समान वो शांति मेरे मन में समाती है, like sea billions roll. और जब उस समुद्र के समान जो दुख है मेरे जीवन में उफान मारते हैं, when sorrows like sea billows roll. और जब उस समुद्र के समान जो दुख है मेरे जीवन में उफान मारते हैं, whatever my lot, जो कुछ भी मेरे जीवन में क्यों ना आए, thou has taught me to say, तूने मुझे यह बोलना सिखाया है, it is well. It is well with my soul. और मेरे मन के साथ मेरे जीवन के साथ सब कुछ भला ही हुआ है। We were on the stage with mom. और हम अपनी माता के साथ उस मंच पर थे। And when mom sang this song, और जब मेरी माता ने इस गीत को गाया, I could see a lot of people were filled with the Holy Spirit. मैं देखा बहुत से लोग पवित्र आत्मा से भर गए। In the midst of difficulties, मुश्किलातों के बीच में, in the midst of sorrow, इन दुख के बीच में, listen to me, believers, विश्वासियों आप ध्यान से सुनिए, we have a God who will bless us with peace. हमारा एक ऐसा परमेश्वर है जो शांति के साथ आपको भरेगा। Listen to me, ध्यान से आप सुनिए, every song I go through, There's a history behind every song. हर एक गीत जो आप सुनते हैं उसके पीछे एक इतिहास होता है। Another man lost his fiancee. एक और व्यक्ति जिसने अपने अपने जीवन साथी को गंवा दिया, उसकी सगाई हुई और विवाह का वो इंतजार कर रहे थे। Something happened and she died. उन्हें कुछ हो गया और वो the wedding, विवाह के पहले ही this man मर गई। What a friend we have in Jesus. और फिर इस व्यक्ति ने उस गीत को लिखा, कैसा मित्र यीशु मेरा। Listen to me, in the midst of trouble, आप याद रखिए संकट के बीच में, in the midst of your trouble, इस दुख की घड़ी के मध्य में, in the midst of difficulties, मुश्किलातों के मध्य में, we can sing, हम गीत गा सकते हैं, we can sing, हम इस गीत को गा सकते we हैं, can worship God, हम परमेश्वर की आराधना कर सकते we हैं, rejoice, हम आराधना कर सकते हैं। Yes, storms of life can damage us. हाँ, जिंदगी की जो आंधियां हैं वो हमें क्षति पहुंचा सकती है, devastate us. वो हमें विनाश कर सकती है, it can bring disorder in our family. वो हमारे जीवन में तबाही ला सकते हैं। But listen to me. लेकिन आप ध्यान से सुने, we have a God. हमारे पास एक परमेश्वर है। I have seen many believers. Even in the scripture, when storms comes in their life, मैंने बहुत से विश्वासी को देखा, यहाँ तक कि वचन में भी जब आंधियां उनके जीवन में आती है, it has threatened three things. तीन बातों को यह क्षति पहुंचाती है। Storms threaten our peace. जो आंधी है जब आती है वह तीन तरीके से आपको धमकाती है। सबसे पहला, आपकी शांति, threatens your joy. यह आपके आनंद को आपसे लेने की कोशिश करती है। और आपके आराम, जो सुकून आपके पास है, वह आपसे लेने की कोशिश करती है। ये होकर रहेगा। लेकिन आप ध्यान से सुने, in Isaiah 43, यशायाह 43 में, it says, remember our God is with us. याद रखे, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। The flames of this storm will not burn you. आप देखिए, इस आंधी जो आ रही है उसकी जो लपके हैं वो आपको जलाएंगी नहीं, will not consume you. वो आपको जलाएंगी नहीं। you have a God with you. आपके पास आपका एक परमेश्वर है। when you have time, go and read book of Daniel. अब मैं कहना चाहूंगा, जब समय आपको मिलता है आप जाकर दानियल नबी की पुस्तक पढ़ें, तीसरे अध्याय को पढ़ें। in the midst of fiery storms, और उस बड़े आंधी के बीच में, उस आग के बीच में, God came down. परमेश्वर नीचे आ गया। Listen to me. ध्यान से आप सुने, Look to the story of Luke chapter 8. आप लूका 8 में जो कहानी है उसे पढ़ें। Verses 22-26. और उसके बाद 22 से लेकर 26 आयत। Listen to me there. आप ध्यान से सुने। I'm just going to leave the points with you. केवल मैं आपको बिंदु ही दे दूंगा। God's intention
is bigger than our storm. परमेश्वर की जो मंशा है वो हमारी आंधी से बड़ी है. Yes, you are in trouble. हाँ, आप संकट में हैं. Yes, you are in difficulty. हाँ, आप मुश्किलातों में हैं. But God's intention is bigger than your storm. लेकिन परमेश्वर की जो मंशा है, जो इरादा है आपकी आंधी से, वो बड़ी है. God's interpretation is bigger than your storm. परमेश्वर की जो व्याख्या है वो आपकी आंधी से बड़े है. His inclination is bigger than your storm. परमेश्वर का जो झुकाव है वो आपकी आंधी से बड़ा है. His inclination is there to hear your cry. उसका झुकाव आपकी पुकार की ओर है. His inclination is there to help you. उसका झुकाव आपकी मदद करने की ओर है. His intervention is bigger than your storm. उसका जो हस्तक्षेप है आपकी आंधी से बड़ा है. His instruction are bigger than your storm. उसके जो निर्देश हैं आपकी आंधी से बड़े. Where are the instructions? अब आपको लगेगा कि निर्देश कहाँ है. Instruction is in the word of God. और जो निर्देश है परमेश्वर के कलाम में है. Anytime you go through the problem, जब कभी आप समस्या से होकर जाते हैं, listen to me, अब ध्यान से मुझे सुने. God will intervene. परमेश्वर हस्तक्षेप करेगा. I said, God will intervene. मैंने कहा परमेश्वर वो हस्तक्षेप करेगा और धर्मी की पुकार को वो सुनेगा. You will become strong. आप मजबूत हो जाएंगे. I said, you will become strong. मैंने कहा आप मजबूत हो जाएंगे. Do not give up. आप हार ना माने. Believer, do not give up. विश्वासियों आप हार ना माने. COVID-19 is just a name. COVID-19 तो केवल एक नाम है. COVID-19 is just a name. COVID-19 केवल एक नाम है. My God is over COVID-19. और मेरा परमेश्वर इस COVID-19 से के ऊपर है. His name is above all names. उसका नाम सर्वनामों में सर्वश्रेष्ठ नाम है. उसका नाम सर्वनामों में श्रेष्ठ है. You see the things around us. आप देख सकते हैं हमारे चारों ओर जो बातें चल रही है. Fear comes. जब भय हमारे अंदर आता है. When that comes in your life. जब वो आपके जीवन में आता है. Just look inside. आप अंदर देखें. And say to the devil. और आप शत्रु से कहें. One who is in me जो मेरे अंदर है is greater than the one who is in the world. और जो इस दुनिया में है उससे महान है. Thank God for the problem. और समस्या के लिए परमेश्वर का धन्यवाद. Listen to me. अब ध्यान से सुने. Adversity is your university. और जो विकट परिस्थिति है वो आपके लिए विश्वविद्यालय है. You can learn many things during your adversity. और आप अपने विषम परिस्थितियों से बहुत सी बातें सीख सकते हैं. This must be your slogan. होने पाए कि यही आपके एक कहावत हो जाए. When you are in trouble, जब आप संकट में हैं, oh God, teach me. I would learn during this trouble. प्रभु तू मुझे सिखा. इस दुख की घड़ी में मैं सीखना चाहता हूँ. Don't murmur and complain. आप ना ही कुड़कुड़ाए ना ही परमेश्वर के खिलाफ कुछ बोले. Teach me what to do. लेकिन आप परमेश्वर से कहें प्रभु तू मुझे सिखा कि मैं क्या करूं. Adversity is an opportunity for you to grow closer to God. और जो विषम परिस्थिति है आपके लिए एक अवसर है कि आप परमेश्वर के निकट बढ़ जाए. You must come close to God. मैंने कहा आपको परमेश्वर के निकट आना है. The more you come close to God, जितना ज्यादा आप परमेश्वर के निकट आते हैं, He will also come close to you. वह भी आपके निकट आएगा. As you draw nigh to Him, और जब परमेश्वर के निकट आएंगे, वह भी आपके निकट आएगा. Listen to me. ध्यान से सुनिए. Problem should not define you. समस्या आपको परिभाषित ना करने पाए. Problem should not define you. मैंने कहा समस्याएं आपको परिभाषित ना करने पाए. Problem should define you. लेकिन समस्याएं आपको पुनः परिभाषित करने पाए. Problem should define you. समस्याएं आपको पुनः परिभाषित करने पाए. Problem should refine you. और परमेश्वर आपको शुद्ध और समस्याएं आपको शुद्ध करने पाए. Let me make a correction there. मैं सुधार करना चाहूंगा. Problem should not define you, but problem should refine you. मैंने कहा समस्याएं आपको परिभाषित नहीं परंतु आपको शुद्ध करने पाए. तो आप समस्या में फंसे या उसके आप बंदिश में ना पड़े रहे. Believers, विश्वासियों, shift your focus from the circumstances, आप अपने ध्यान को अपनी परिस्थितियों से हटा करके, from your hardship, अपने मुश्किलातों से हटा करके, from your trouble, अपने संकट से हटा करके, from your sickness, अपनी बीमारी से हटा करके, and focus your eyes on Jesus. आप अपने ध्यान को यीशु की ओर केंद्रित करें. He is a faithful God. वह विश्वास योग्य परमेश्वर है. And he is a good God. वह भला परमेश्वर है. Focus your eyes on him. आप अपनी आंखें केवल और केवल उसकी ओर लगाएं. Listen to me.
ध्यान से सुने। There's season for everything. हर एक बात के लिए ऋतु होता है। And there's a season for everything. मैंने कहा हर एक बात के लिए ऋतु होता है। This shall pass. आप देखिए यह भी एक दिन बीत जाएगा। This too shall pass. यह भी एक दिन बीत जाएगा। Stones are in different sizes. आप देखिए जो आंधी जब आती है वो अलग अलग आकार से आती Some are mild. है। कुछ जो आंधियां हैं बहुत ही हल्की होती है, कुछ आंधियां बहुत ही भयंकर होती है। दूसरे शब्दों में Someone will have just a headache or fever. कुछ लोग को केवल थोड़ा बीमारी या बुखार आ जाए, Someone will have a cancer. ले कुछ लोग हो सकता है कर्क रोग हो जाए, Someone will have sickness only for one day. कुछ लोग केवल एक दिन के लिए ही बीमारी होगी। Remember, the lady had sickness for last 38 years in Bible. याद रखे बाइबल में 38 वर्ष तक उस स्त्री को बीमारी था। Yes. हाँ Some of you are in storm. आप में से कुछ लोग आंधी में पाए जाते हैं। Some of you have already passed the storm. आप में से कुछ लोगों ने आंधी पर जय पा लिया है। Some are standing to get in the storm. और कई लोग इंतजार कर रहे हैं कि आंधी में प्रवेश करें। Listen to me. आप ध्यान से सुने। There is a duration. हर एक बात के लिए एक समय काल होता है। I like when I study the Bible, I will highlight certain things. जब मैं बाइबिल पढ़ता हूँ कुछ बातों को मैं रेखांकित कर लेता हूँ, जैसे यशया 43 में आप आए कुछ समय के लिए, ग्यारह मिनट और मेरे पास है। दिस इज पार्ट वन ऑफ माय मैसेज टू गुजरात, और गुजरात की जो हमारे विश्वासी हैं उनके लिए ये हमारा संदेश का पहला भाग है। पार्ट टू विल बी टुमारो नाइट Under the direction of Pastor Raju Thomas. और दूसरा जो इसका भाग होगा पास्टर राजू के थॉमस के निर्देशन में कल रात्रि में दिया जाएगा। Tomorrow night I will go in detail. और कल रात्रि और भी हम गहराई में जाएंगे। Listen to me carefully. आप ध्यान पूर्वक मुझे सुनें। I say when you go through. और बाइबल लिखा है जब तुम इनमें से होकर जाओ। Three times. तीन बार। When you go through rivers. जब तुम जल में से होकर जाओ। When you walk through the fire. और जब तुम अग्नि में से होकर जाओ। So through means you're not staying there. आप देखिए उसके द्वारा मतलब आप वहां खड़े नहीं हैं। The trouble is not there for long. और संकट हमेशा के लिए वहां पर नहीं है। COVID-19 will not be there too long. COVID-19 लंबे समय तक नहीं रहेगा। But listen to me carefully. लेकिन आप ध्यान पूर्वक मुझे सुनिए। God has a purpose for everything. परमेश्वर के पास हर एक बात के लिए एक उद्देश्य है। There are many kinds of adversity. कई प्रकार की विकट परिस्थितियां होती है। There are physical adversity. शारीरिक समस्याएं होती है। There is a mental adversity. मानसिक समस्या होती है। There is a emotional adversity. भावनात्मक समस्या होती है। There is a social adversity. सामाजिक समस्या होती है। There is a financial adversity. आर्थिक समस्या खड़ी होती है। And there is spiritual adversity. आत्मिक समस्या भी खड़ी होती है। So we have six different kinds of trouble. तो देखिए छह अलग अलग प्रकार की समस्याएं हमारे सामने हैं। My God is a good God. मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है। Book of Job chapter 5. अय्यूब 5 में आप देख सकते हैं। See, God keeps us from 7 troubles. परमेश्वर हमें 7 प्रकार के संकट से बचाकर रखता है। He keeps us from 7 troubles. 7 प्रकार के संकट से वो हमें बचाकर रखता है। In the scripture. वचन में ये बातें दी गई है। In chapter 5. पांचवें अध्याय में आप देखेंगे। In chapter 5 you will see from Verse 18 to 24, आप देख सकते हैं 18 से लेकर के 24 तक He will keep us from sickness. वह हमें बीमारी से बचा कर रखता है। He will keep us from famine. वह हमें एक भुखमरी से बचा कर रखता yes, है। many have problem during COVID-19. हाँ, COVID-19 के बीच में कई लोगों को समस्याएं हैं। But we pray every day, my wife tells, God is providing. During this COVID-19. हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं। मेरी पत्नी बोलती कि हमें परमेश्वर इस COVID-19 के बीच में हमारे लिए प्रबंधन कर रहा है। In verse 20, he will keep us from war. 20वें आयत में देखिए, वो हमें युद्ध से बचाकर रखेगा। Number 4, he will keep us from gossip and slander. चौथी बात, वो हमें कहना चाहिए कि एक दूसरे की चुगली करने से रोक कर रखेगा। He will Keep us from destruction and calamity. वो हमें विनाश और आपत्ति बड़ी विपत्ति से बचा कर रखेगा। He will keep us from wild beasts. वो हमें जंगली जानवरों से बचा कर रखेगा। Let me give you one good example there. एक आपको अच्छा उदाहरण देना चाहूंगा। One of the pastors who died a late Pastor Isho
who was in Indore, और पास्टर ईशो जो इंदौर में सेवा करते थे, he used to be in Ranipur, वह रानीपुर में सेवा करते थे, many time he came to Itarsi, कई बार वो इटारसी आए, one time when he was walking to come to Itarsi, एक बार जब इटारसी के लिए वो यात्रा कर रहे थे, he encountered a big bear, उनके सामने एक बड़ा भालू आ गया, he said, Lord, protect me, उन्होंने कहा प्रभु तू मुझे बचा, you can see this bear is hungry. अब देखिए भालू बहुत भूखा है. I know what happened when he came close to this man. और जैसे ही वो इनके निकट आया, KG Isho, God changed the direction of the bear. अब परमेश्वर ने उस भालू की दिशा को ही बदल दिया. Nothing happened to KG Isho. कुछ भी नहीं हुआ KG Isho. So I believe God can keep us from beast. तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमें जंगली जानवरों से बचा कर परमेश्वर हमें पाप से भी बचा कर रखे. God is a good God. परमेश्वर भला परमेश्वर. God is मैंने कहा परमेश्वर भला परमेश्वर. So believers, विश्वासियों, get strong in the word of God. आप वचन में मजबूत हो जाएं. Get strong in the word of God. आप वचन में मजबूत हो जाएं. And get strong with the Lord. आप परमेश्वर के साथ मजबूत हो जाएं. What should we do? हमें क्या करना है? We started with the question, what we must do? हमने एक प्रश्न के साथ शुरू किया कि हमें क्या करना चाहिए. Two things you must do. दो बातें आपको करना है. There are eight things, but I'm going to just bring one few things. आठ बातें हैं, लेकिन केवल दो बातें मैं आपको बताऊंगा. What two things every believer must do during COVID-19? कौन सी दो बातें हर एक विश्वासियों को कोविड 19 के समय करना चाहिए. पहली बात, seek God. आप परमेश्वर को ढूंढे. दूसरी बात, commit all your problems to him. अपनी सारी समस्याओं को उसे सौंप. My God is a good God. मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है. My God, I want you to be strong. मैं चाहूंगा आप मजबूत बन जाएं. Why I must be strong? आप बोलेंगे मुझे क्यों बलवंत होना है. If you're not strong, यदि आप बलवंत नहीं होंगे, you will fail in the midst of trouble. आप संकट के मध्य असफल हो जाएंगे. Let me read Proverbs 24. नीति वचन 24 पढ़ना चाहूंगा. And I put in three different translations. मैं तीन अलग-अलग अनुवादों में लिखा है. And look to these translations. आप इन तीन अनुवादों को देखें. Powerful words are there. बहुत ही सामर्थी वचन यहाँ लिखे हैं. Let me pick up the second one first. दूसरा वाला पहले हम पढ़ेंगे. If you fail to pieces in a crisis. यदि संकट के मध्य तुम टुकड़ों में बढ़ जाते हो. It means people may come to a place where they are broken. और मतलब लोग ऐसे समय में आ सकते हैं कि जब वो पूर्णतः टूट जाते हैं. मेरा मन टूट गया है, मैं टूट चुकी हूँ. I hear all the time. मैं हमेशा इन बातों को सुनता हूँ. If you fail to pieces in a crisis, इन संकट के मध्य आप टूट जाते हैं. There was not much to you in the first place. इसका मतलब आपके अंदर पहले कुछ था ही नहीं. That is one translation. If you fail in the day of adversity, यदि संकट के दिन तुम असफल हो जाओ, your strength is small, और तुम्हारा जो बल है बहुत ही छोटा है, थोड़ा है. Go to first translation. पहले अनुवाद में हम आएंगे. If you fail in the time of pressure, दबाव के समय तुम विफल हो जाते हो, your strength is too small, और तुम्हारा बल बहुत ही छोटा है. That's the reason I want believers of Gujarat and all over India. इसलिए चाहूंगा जो विश्वासी हमारे गुजरात और पूरे भारतवर्ष में हैं, आप बलवंत हो जाएं. I want you to be strong in the Lord. मैं चाहूंगा आप प्रभु में बलवंत हो जाएं. Be strong in the Lord. आप प्रभु में बलवंत हो जाएं. I'm going to give you tomorrow night 15 purposes God takes you and I in takes you to trouble, difficulties or adversity. प्रभु ने चाहा तो कल रात आपको बताऊंगा 15 ऐसे उद्देश्य जिसे कारण प्रभु आपको विपत्तियों के बीच से लेकर जाता है. I want you to get hold of Pastor Raju Thomas. मैं चाहूंगा आप पास्टर राजू थॉमस से मिले. और listen to Pastor Nikhil Gupta or watch his Facebook. और आप Facebook में भी आपको यह सूचना पास्टर निखिल गुप्ता के द्वारा मिल जाएगी. The ID, password for tomorrow night. और कल की रात्रि के लिए भी आपको सूचना दे दी जाएगी. You may say, Pastor, you don't know my condition. और आप बोलेंगे पासवान हमारी स्थिति के बारे में आपको नहीं पता. We are in big trouble. हम बड़े संकट के बीच में हैं. But listen to me what Bible says. लेकिन ध्यान से सुने बाइबिल क्या कहती है. You will guard them and keep them in perfect and constant peace. और तू उन लोगों को संभाल कर सिद्ध शांति में सदैव बनाकर सुरक्षित रखेगा. This is my prayer. यह मेरी प्रार्थना है. For all of you. आप सभी के लिए. That God will give you peace, joy and hope. कि परमेश्वर आपको शांति, आशा और प्रेम देने पाए. My God,
is a good God. मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है. Pastor Titus, thank you for arranging this special meeting. Pastor Titus, आपका शुक्रिया इस विशेष सभा को आयोजित करने के लिए. Let me close with one scripture. एक आयत को पढ़कर मैं समापन करना चाहूंगा. Romans chapter 15. रोमियों की पत्री 15 अध्याय. Verse 13. 13 आयत. I pray that God, the source of hope. होने पाए कि परमेश्वर जो आशा का स्रोत है. Believers, listen to me as I close. विश्वासियों ध्यान से सुने जब मैं समापन करता हूँ. I pray that God, the source of hope. मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर जो आशा का स्रोत है. Will fill you completely. जो आपको पूर्णतः भरने पाए. Each one of you. आप में से हर एक को. With joy and peace. और जब शांति और आनंद. Because you trust in him. क्योंकि आपने उस पर भरोसा रखा है. Then you will overflow with confident hope through the power of the Holy Spirit. और तब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उस भरोसे के साथ भरपूर हो जाएंगे. Thank you. धन्यवाद. For joining us through this media. और इस मीडिया के द्वारा हमारे साथ जुड़ने के लिए फिर से एक बार आप सभी का शुक्रिया. फिर से एक बार पास्टर टी के जोसेफ को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा. और जब अपने बेटे के द्वारा उस मिरास का वहां आनंद उठाते हैं. थैंक यू फॉर मेनी पीपल हैव जॉइंड. बहुत से लोग जो जुड़े हैं आप सभी का शुक्रिया. वी आर वेरी हैप्पी. हम बहुत ही खुश हैं. ड्यूरिंग कोविड-19 इस कोविड-19 के समय में भी वी हैव लर्नड फ्यू थिंग्स. हमने कुछ बातें सीखा है. इज टू स्पेंड मोर टाइम इन द वर्ड ऑफ गॉड. कि परमेश्वर के वचन में हम ज्यादा समय बिताएं. वी हैव मोर टाइम इन द फैमिली. परिवार में हम ज्यादा समय बिताएं. लिसन टू आप ध्यान से सुने. Stay focused on God. आप परमेश्वर में ही केंद्रित रहें. As I stay focused on God. मैंने कहा परमेश्वर में आप स्थिर बने रहें. Stay safe. सुरक्षित रहें. Stay safe. सुरक्षित रहें. And God will continue to bless you. आप परमेश्वर लगातार आपको आशीषित करें. Father, I pray. पिता हम प्रार्थना करते हैं. To everyone who has heard your word. हर एक जिसने तेरे वचनों को सुना है. Your peace will dwell in their hearts. तेरी शांति उनके मनों में प्रभुता करने पर. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं. थैंक यू फॉर पास्टर निखिल आल्सो. पास्टर निखिल के लिए भी शुक्रिया परमेश्वर. थैंक यू. धन्यवाद प्रभु. थैंक यू. धन्यवाद प्रभु. थैंक यू. धन्यवाद प्रभु. इन जीसस नेम वी प्रे. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं. आमेन. आमेन. एवरीवन से आमेन. सब कहें आमेन. पास्टर टाइटस से आमेन. पास्टर टाइटस जी बोले आमेन. प्रार्थना करें आप एक प्रार्थना आशीष के वचन प्रभु के द्वारा सहारे बोलेगा.